तीन मिनट मौलाना फाजिल साहब से लूंगा, तशरीफ लाया आ जाइए दो मिनट के लिए। डॉक्टर अतीस साहब भी हमारे यहाँ दरमियान तशरीफ फरमा है जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, नहमदुहू व नसल्लि अला रसूलिही करीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का प्रोग्राम लेकर बेहद खुशी हुई। हजरत मौलाना मुबीन साहब का बरकातों ने जो इस इदारे को कायम किया और अपने खून पसीने से इस मकाम तक इस और यहाँ तक इस इदारे को पहुँचाया, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस इदारे को दीन दुनिया रात की तरक्की अता फरमाए। माशाल्लाह, हजरत मौलाना खलील अहमद साहब की जो बातें सुनी उससे बड़ा हौसला मिला और अल्लाह ताला ये सारी बातें जो जामे बातें वैसा अच्छी नसीहतें हजरत ने फरमाई हमारे लिए एक मगफिरत का और तरक्की का जरिया बन जाए। अल्लाह ताला इस इदारे को तरक्की अता फरमाए। और जो अजाइम है ये आप सबको मालूम है कि इदारा जो है एक मकान में चल रहा है, तो हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि इदारा बड़ी जगह पर कायम हो और इसकी अपनी ज़मीन हो, अपना इसका अपनी अपनी ज़मीन हो और इदारा अपनी जगह पर कायम हो। अल्लाह ताला इस इदारे को मज़ीद तरक्की से नवाजे और जो अजाइम है अल्लाह ताला सारे अजाइम को पूरा फरमा दें। आखिर दमाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।